ठीक है शिल्पा प्रीवियस सेल, वहां पे तीन क्यों बैठे हैं? अरविंद यहाँ आ गया, अरविंद आ गया, ओके एंटर की फॉर एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट रो डाउनवर्ड नेक्स्ट सेल ठीक है शिफ्ट प्लस एंटर वन सेल अप ओके नाउ टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ शीट फॉर रोल नंबर जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट करी थी नेम पीटी वन सब्जेक्ट एनरिचमेंट मल्टीपल असेसमेंट पोर्टफोलियो हाफ ईयरली एंड टोटल ऑल ऑफ यू विल डू द वर्क साइड बाय साइड ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंटर द रिकॉर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स मैं जूम थोड़ा कम कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी ऑल द कॉलम्स हाँ जी रोल नंबर नेम पीटी वन सब्जेक्ट एनरिचमेंट मल्टीपल असेसमेंट पोर्टफोलियो एंड हाफ ईयरली पीटी वन के मार्क्स अभी आपने 5 से लेने हैं आउट ऑफ 5 नहीं सॉरी आउट ऑफ 50 लो अभी देन आई विल टेल यू हाउ टू डू एनीथिंग अदर आउट ऑफ 50 रोल नंबर 1 सपोज आई एम गिविंग द नेम मार्क्स 45 सपोज सब्जेक्ट एनरिचमेंट के मार्क्स मल्टीपल असेसमेंट पोर्टफोलियो देन हाफ ईयरली हाँ आउट ऑफ 80 देन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू आउट ऑफ 80 इसके लिए अलग से फॉर्मूला लग सकता है वी विल डू दैट लेटर ऑन पहले अभी इतना करो ठीक है एंटर दिस पीरियोडिक टेबल मैम मैम किसी जो जिसकी से हम किसी बॉक्स के अंदर सेल को एक्टिव कर सकते हैं वो कौन सी की है सेल किस पर्सन को एक्टिव कर सकते हैं यस मैम एडिट करने के लिए F2 यस F2 ओके मैम और डबल क्लिक ऑन द सेल फॉर एडिटिंग हां जी पहले इतना करके हैंड रेस करो जिसका इतना हो जाए आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द फॉर्मेटिंग अ लिटिल बिट टू एडजस्ट द हेडिंग्स अभी एक कलर करो हाँ जी इधर प्रेस द शिफ्ट की क्लिक ऑन लास्ट क्लिक ऑन रोल नंबर प्रेस द शिफ्ट की क्लिक ऑन टोटल ऑल द थिंग्स विल बी सिलेक्टेड मल्टीपल सिलेक्शन उस दिन हमने करी थी शिफ्ट की के साथ ज्यादा जरूरत नहीं पड़े हाँ जी सबका इतना हो गया सिमरन इतना हो गया रेणुका हाँ जी इधर डन ओके नाउ लुक हियर नाउ बट व्हाट फॉर्मेटिंग्स यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट इन द सेंटर सेंटर अलाइनमेंट फर्स्ट रो सेलेक्ट करके गिव इट अ सेंटर अलाइनमेंट ठीक है मेक इट बोल्ड चेंज द साइज Make it bold, change the size,
If I go to 100%, it will look like this. Okay. Size change ho gaya. Okay. Now click on format menu. Format menu. Cell option. Format menu. Cell option. Here there are many tabs for the format cell. Choose the alignment tab. Alignment tab. Format cells, alignment. Click on wrap text option. Wrap text automatically. Wrap text means the text which is not visible in the first column, which ne pura nahi aa raha, that will go in the next line like this. Theek hai, wrap text. सेल वर्टिकली बड़ा हो जाएगा. ओके, वी विल डू, डोंट वरी. अभी बाकी की चीजें करनी है अभी हमने. ठीक है, नाउ अलाइनमेंट में देखो आपके पास प्रॉपर्टीज में इधर विंडो आ रही है. यहां पर भी आपके पास रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है सेल्स के लिए. फॉर्मेट सेल्स प्रॉपर यहाँ पे भी आ रहा है. रैप टेक्स्ट की ऑप्शन यहाँ भी है. यू कैन क्लिक ऑन अलाइन सेंटर वर्टिकली. बेटा जो सिस्टम नहीं चल रहा है बताओ पहले. अभी अलाइन सेंटर वर्टिकली, इट विल कम इन द सेंटर. अलाइन सेंटर वर्टिकली, वर्टिकल अलाइनमेंट. टॉप मिडल बॉटम, बाय डिफॉल्ट इट वॉज इन द बॉटम. बाय डिफॉल्ट ऐसे आ रहे हैं. You can make it in the center like this. ठीक है, अलाइन वर्टिकल अलाइनमेंट. बेटा अलाइनमेंट आपके पास दो तरह की है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप मिडल बॉटम. टॉप मिडल बॉटम क्या? रैप टेक्स्ट ऑप्शन. रैप टेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी है बाहर प्रॉपर्टीज विंडो में, एंड इट इज इन द फॉर्मेट मेन्यू सेल्स ऑप्शन में भी है. फॉर्मेट मेन्यू सेल्स ऑप्शन अलाइनमेंट टैब. नाउ ऑल ऑफ द थिंग्स यू कैन डू द सेल. फॉन्ट कलर यू कैन गिव, द बैकग्राउंड कलर यू कैन गिव, द बॉर्डर्स. All the things are in this. इसका कीबोर्ड नहीं चल रहा. बैकग्राउंड कलर, चूज एनी लाइट कलर फॉर बैकग्राउंड. यू कैन हैव द सेल बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, सेल बॉर्डर, सेल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स. यू कैन हैव द बॉर्डर लाइन, लाइन स्टाइल एंड बॉर्डर कलर ऑल्सो. यू कैन हैव द लाइन स्टाइल एंड लाइन कलर ऑल्सो. बेटा ये प्रॉपर्टीज आ रही है लेफ्ट साइड राइट साइड पे, इसमें आपकी सारी ऑप्शंस हैं. सेल बैकग्राउंड, सेल बॉर्डर. ठीक है, if you want to change the font color you can click on font color. haan ji, okay, theek hai. abhi width change karni hai na, name ki width change kar lo. bracket name aapka bada hota hai, रोल नंबर आप शॉर्ट में कर सकते हो. ठीक है, एडजस्ट. नाउ आपके पास जितने आपके ये सेल्स के वैल्यू, ये कॉलम्स का साइज एक जैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. इनका कॉलम वेट एक जैसी होनी चाहिए. फॉर्मेट, लिसन, अगर आप ड्रैग करके करोगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल, है ना, अलग अलग आएगी.
अगर आपको एक जैसी करनी है, फॉर्मेट मेन्यू कॉलम ऑप्शन, फॉर्मेट मेन्यू कॉलम ऑप्शन विड्थ, फॉर्मेट मेन्यू कॉलम ऑप्शन विड्थ। जशन, नाउ गिव द विड्थ हियर। सपोज आई एम गिविंग इट 1 1 इंच। हाँ जी बेटा, कॉलम ऑप्शन विड्थ। डन, यहाँ तक डन है। प्रॉपर्टीज में ही है बेटा, रेपटेक्स को सिलेक्ट कर लो, दैट्स इट। बॉर्डर नीचे बेटा, मैं अभी दोबारा नीचे वाले सेल्स को कर रही हूँ फॉर्मेट, ठीक है। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एटलीस्ट जितने आपको रोल नंबर्स एंटर करने हैं, सेलेक्ट दो सेल्स, चेंज द फॉन्ट साइज, ठीक है। गिव बॉर्डर, चेंज द फॉन्ट साइज टू 12, देन गिव बॉर्डर all borders, you can give the border color, you can give the border width, border, border color, border width, विड्थ। आपने बेटा टाइप नहीं करो, भी लाइन स्टाइल में से चूज कर लो, चूज इट फ्रॉम द लाइन स्टाइल, ठीक है। सेल बैकग्राउंड कलर, पहले बॉर्डर सेलेक्ट करो ना, दिस इज द सेल बॉर्डर, चूज ऑल बॉर्डर्स, देन दिस इज द लाइन, सेलेक्ट द लाइन कलर, देन दिस इज द लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल, ठीक है। यू कैन हैव द बॉर्डर कलर ऑल्सो, यू कैन हैव द सेल बैकग्राउंड कलर ऑल्सो, डन। हाँ जी, यहां तक सबका हो गया। अलाइनमेंट्स ऑल्सो, सेंटर एंड मिडल, अलाइनमेंट सेंटर एंड मिडल, सिर्फ नेम आपका लेफ्ट में होना चाहिए, बाकी सारे मार्क्स सेंटर में। नेम को सेलेक्ट करके वापस लेफ्ट कर दो। हाँ जी, यहां तक फॉर्मेटिंग सबकी डन होनी चाहिए, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूलास। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Online students, any doubt? हाँ जी, यहाँ तक हो गया सबका? कॉलम, हाँ जी, फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूला समझ आ गया सबको? क्या फॉर्मूला लगेगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? इज इक्वल टू सी टू डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, बिकॉज इट इज आउट ऑफ 5। अब जैसे सपोज करो आपके मार्क्स आउट ऑफ 80 वाले जो हाफ ईयरली के ऑनलाइन के होने की वजह से आपके 50 में से हुए, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट इट आउट ऑफ 80, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? पहले हमने निकाले आउट ऑफ 5,
मल्टीप्लाई किससे किया? 5 से। अभी किससे करना है? 80 से। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड 50। ठीक है, अगर आपके मार्क्स ये 50 में से होते हाफ ईयरली के, तो आप आउट ऑफ 50 ऐसे निकाल सकते। ठीक है, सेम फॉर्मूला विल बी यूज। मैम डन। ओके, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके, यहाँ पे देखो टोटल के लिए फॉर्मूला क्लियर है? हाँ जी, अभी हाफ ईयरली में कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज आउट ऑफ 80। I'm just giving you an example. If they are out of 50, so how you can calculate it out of 80? Anji Dhiren, you want to share your screen? Yes, Diksha, Parmeet, Ikjot. If you had done, you can also share. Ma'am, just a moment. तो functions पे आएंगे तो ये formulas करो functions पे। Ma'am, can I share? Yes, yes. ओके करेक्ट। अच्छा लिसन, एक चीज और बताती हूँ इंटरेस्टिंग। आप धीरेन अपना शेयर स्टॉप करो। हाँ जी, लिसन, मुझे रैप टेक्स किया हुआ है, ठीक है, बट इवन देन समटाइम्स ये होता है कि रैप टेक्स करने के बाद भी मुझे कोई अपनी तरफ से लाइन फिनिश होने से पहले टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लेके जाने। जैसे अभी मेरे पास सब्जेक्ट एनरिचमेंट 5 और पीरियोडिक टेस्ट के 50 के मार्क्स है, सेम कॉलम में आ रहे हैं, सेम रो में आ रहे हैं। आई वॉन्ट कि सारे मार्क्स नेक्स्ट लाइन में आए, जैसे पोर्टफोलियो के नीचे आ रहे हैं, हाफ ईयरली के नीचे आ रहे हैं 80। तो वट आई कैन डू टू इंसर्ट अ रो, अपनी तरफ से रो इंसर्ट करनी है, सॉरी मल्टी लाइन करना है, तो क्या कर सकते हैं? एंटर करेंगे तो नेक्स्ट सेल में जाएगा, कंट्रोल प्लस एंटर। तो फिर ज्यादा सेल फिनिश नहीं होता, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, लाइक दिस, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। मैम मेरा भी हो गया। इन एक्सेल इट इज ऑल्ट प्लस एंटर, इन एक्सेल इट इज ऑल्ट प्लस एंटर। कंप्लीट योर शीट क्विकली।